हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिफास किचन। तो आज हम बनाए जा रहे हैं वाइट चिकन ग्रेवी। ये ग्रेवी में ना हमें प्याज चाहिए, ना काजू पेस्ट, कुछ भी नहीं। और ये ग्रेवी सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में बन जाती है अगर आपके ऐसा भी ग्रेवी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए सबसे पहले 1/2 kg बोनलेस चिकन कट इंटू क्यूब्स। यहाँ मेरे पास है दही, यहाँ मेरे पास है फ्रेश क्रीम, साथ ही साथ मेरे पास है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, साथ ही साथ मेरे पास है कड़ी पत्ता, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और एक चिकन स्टॉक क्यूब। साथ में हमें चाहिए होगा थोड़ा सी ऑयल और सॉल्ट टू टेस्ट। स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है दही और क्रीम, दोनों को साथ में मिक्स कर लिया है। इसमें ऐड किया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर। इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन स्टॉक क्यूब क्रश करके। यही स्टेज पे आप इसमें सॉल्ट डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि चिकन स्टॉक क्यूब में सॉल्ट होता है, तो उसी हिसाब से सॉल्ट डालिएगा, वरना ज़्यादा नमक हो जाएगा आपके डिश में। इसे अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख लीजिए। अब हम एक कढ़ाई देंगे, उसमें डालेंगे तेल। तेल में हम डालेंगे कड़ी लीव्स। कड़ी लीव्स हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो उसमें हम डालेंगे हमारे चिकन क्यूब्स, बोनलेस चिकन क्यूब्स। चिकन को अच्छी तरह से आप पका लें। यहाँ पे बिल्कुल भी पानी ना ऐड करें। ध्यान रखें कि आप नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ करें। चिकन अच्छे से हो जाए तो उसमें अब हम डालेंगे अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं चिकन ने अपना वाटर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम चिकन में ऐड करेंगे हमारा मिक्सचर, दही, क्रीम, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक और चिकन स्टॉक क्यूब का, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कुक कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये ग्रेवी खुद ब खुद थिक होगी, तो इसे स्लो फ्लेम पर रखकर पकाइएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो चुकी है। यहाँ पे आप अपना सॉल्ट चेक कर लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया या कोथमीर। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे और फिर इसे सर्व करेगा नान या रोटी के साथ। वाइट चिकन ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।